हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हूँ ये 41 साइज ब्लाउज का कटिंग। बहुत ही सिंपल एंड ईजी तरीके से ब्लाउज का कटिंग कैसे किया जाता है तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी फ्रेंड्स। पहले अभी ये जो ब्लाउज का लंबाई है ये आप देख लीजिए। ब्लाउज का लंबाई आएगा 15 इंची, शोल्डर आएगा 15 इंची, अपर चेस्ट आएगा 38 इंची और मिडिल चेस्ट आएगा 41 इंची। इसका जो कमर आएगा वो आएगा 32 इंची और इसका जो आर्म होल आएगा वो 18.5 आएगा और हैंड का लंबाई 9.5 इंची और हैंड का लूज आएगा 13 इंची और इसका जो फ्रंट का गला आएगा 8.5 इंची और बैक का गला आएगा 11 इंची और इसका जो एपेक्स का जो पॉइंट आएगा वो आएगा 12 इंची डाउन और एंडिंग आएगा 16 इंची। तो इसी मेजरमेंट के साथ आप लोगों के साथ इसका जो सादा ब्लाउज है 2x2 वो कटिंग आप लोगों के साथ शेयर करूंगी फ्रेंड्स। प्लीज़ चैनल पर नया है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए। तो पहले इस ब्लाउज को कटिंग करने के लिए पहले आपको ऐसे सीधा एक नीचे एक लाइन ड्रॉ कर लेना होगा ऐसे। तो ये लाइन ड्रॉ कर लेने के बाद फ्रेंड्स आपको अभी ब्लाउज का लंबाई कितना है 15 इंची, तो आपको इस मार्क से 15 इंची जहाँ तक आ रहा है फ्रेंड्स वहाँ पर आपको ऐसे एक मार्क लगा देना होगा और 15.5 इंच पर और एक मार्क लगा देना होगा क्योंकि हमारा ये 1/2 इंच सिलाई का मार्जिन के लिए। तो ऐसे ही आपको 15 इंच पर एक मार्क लगाना होगा और 15.5 इंच पर और एक मार्क लगा देना होगा। ये दोनों मार्क लगा देने के बाद आपको ऐसे दोनों लाइन को ऐसे करके सीधा एक मार्क कर लेना होगा। तो इसका ऐसे मार्क कर लेने के बाद अभी इसका हमारा जो नेक है डीप नेक आएगा तो इसका हमारा शोल्डर कितना है 15 इंची, तो 15 इंची शोल्डर होने से आपको इसमें से 4 इंची शोल्डर माइनस कर लेना होगा क्योंकि हमारा डीप गला है तो इसलिए आपको 4 इंची शोल्डर माइनस कर लेना होगा। तो 15 इंची से 4 इंची माइनस करने से कितना आएगा 11 इंची। अभी 11 इंची का आधा कितना आएगा 5.5, तो आपको यहाँ से 5.5 इंच पर ऐसे करके एक मार्क लगा देना होगा 5.5 पर। तो यहाँ से और एक 5.5 पर दो ऐसे मार्क लगा देना होगा। तो दो मार्क करते हुए आपको ऐसे सीधा एक लाइन को ड्रॉ कर लेना होगा। अभी इस लाइन को ड्रा कर लेने के बाद अभी ये जो बैक है हमारा बैक आपको कितना रखना होगा 2.5 इंची 2 पॉइंट, मतलब 2.5 इंची 2 सूत। तो आपको रखते हुए ऐसे इधर पर भी और एक मार्क कर देना होगा। तो ये मार्क कर देने के बाद अभी हमारा जो ब्लाउज का जो पीछे का जो गले का जो डीप है कितना है 11 इंची, तो आपको यहाँ से ये 11 इंची जहाँ तक जा रहा है फ्रेंड्स यहाँ पर आपको ऐसे करके एक मार्क लगा देना होगा। तो ए मार्क लगाते हुए आपको इसको ऐसे सीधा एक मार्क कर देना होगा और इधर भी आपको इस मार्क को ऐसे करके मिला देना होगा। तो ए हो गया हमारा पीछे का जो गले का जो नेक का मार्किंग। अभी हम इसका जो कमर का, मतलब जो कमर हमारा कितना है 32, तो 32 को 4 से डिवाइड करने से कितना आएगा 8 इंची। तो आपको इधर से 8 इंची जहाँ तक जा रहा है फ्रेंड्स वहाँ पे आपको ऐसे करके एक मार्क लगा देना होगा और पीछे जो टक्स आएगा तो उसके लिए आपको 1 इंची ऐसे एक्स्ट्रा मार्क कर देना होगा। तो 1 इंची मार्क कर देने के बाद कितना आ रहा है 9 इंच, तो इसका आधा पे आपको ऐसे करके और एक मार्क लगा देना होगा। तो इस मार्क को 3.5 इंच पर ऐसे मार्क पर ऐसे करके मिला देना होगा और इधर से आपको ऐसे करके 1/2 इंची और यहाँ से आपको ऐसे करके 1/2 इंची यहाँ पर ऐसे करके मिला देना होगा। तो ये हो गया फ्रेंड्स हमारा जो पीछे का टक्स और जो कमर का मार्किंग। अभी हमारा चेस्ट कितना है 41, तो 41 को 4 से डिवाइड करने से आएगा 10 इंची 2 पॉइंट, मतलब 10 इंची 2 सूत आएगा। तो आपको यहाँ से 10 इंची 2 सूत जहाँ तक जा रहा है फ्रेंड्स वहाँ पे आपको ऐसे करके एक मार्क लगा देना होगा। तो ये मार्क लगा देने के बाद आपको ऊपर से ज़्यादा नहीं 5 इंची डाउन रखते हुए ऐसे करके एक मार्क लगा देना होगा। तो इस मार्क को लगा देने के बाद आपको ऐसे करके ये दोनों को ऐसे करके मिला देना होगा। तो ये मिला देने के बाद अभी ये जो पॉइंट बना है फ्रेंड्स इस पॉइंट से आपको 1 इंच दूरी पर ऐसे करके एक मार्क लगा दीजिए। तो ये मार्क लगा देने के बाद आपको ऐसे करके ऊपर से ऐसे करके इसको ये जो हमारा जो आर्म होल का शेप है आपको ऐसे करके शेप दे देना है। अभी हमारा आर्म होल कितना है फ्रेंड्स 18.5, तो 18.5 आर्म होल होने से आपको उसका आधा कितना आएगा 9 इंची 2 सूत। तो आपको यहाँ से 1/2 इंची छोड़ते हुए ऐसे करके राउंड घुमाते हुए ऐसे करके चेक कर लेना है ये कितना आ रहा है 9.5 इंची, मतलब आपको
200 तो पर आपको मार्क करना होगा। तो आपको ऐसे 200 तो पर मार्क करते हुए आपको दोबारा और एक बार चेक कर लेना है 18.5 इंची आ रहा है क्या नहीं। ये हमारा देखिए 9 इंची 200 आ गया। तो ये हो गया हमारा जो आर्म होल का पूरा परफेक्ट मार्किंग। तो अभी इस मार्क से इस मार्क को ऐसे करके ये दोनों मार्क को मिला देना होगा और 1.5 इंची इतना एक्स्ट्रा रखते हुए आपको ऐसे करके और एक मार्क कर देना होगा। ये जो पीस है हमारा एक्स्ट्रा पीस बाद में लूज टाइट करने के लिए। तो फ्रेंड्स ये हो गया हमारा जो पीछे का ड्राइंग है। तो इस ड्राइंग को देखते हुए हम कटिंग कर लेंगे। और नीचे का तरफ मैंने सिलाई का मार्जिन नहीं लगाया, तो आपको सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए इतना छोड़ते हुए आपको कट कर लेना होगा। तो ये जो मैंने मार्क किया हुआ है इस मार्क बराबर देखते हुए आपको ऐसे करके कटिंग कर लेना होगा। और जो कोई भी हमारा चैनल पर नया हो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए। और हर रोज़ आपको ऐसे ब्लाउज का कटिंग देखने के लिए मिलेगा। और किसी दूसरा ब्लाउज का कटिंग चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हो, हम उसी ब्लाउज का कटिंग नेक्स्ट वीडियो पर आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। तो ऐसे दोबारा और एक बार आपको ऐसे करके चेक कर लेना है ये 18.5 इंची आ रहा है क्या नहीं। ये देख सकते हो हमारा पूरा बराबर आ गया फ्रेंड्स। तो इसको ज़रा सा इतना शेप देने से हमारा पूरा परफेक्ट राउंड आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा पूरा बैक का परफेक्ट कटिंग। अभी हम इसका जो फ्रंट पल्ला है फ्रंट पल्ला को क्रॉस कटिंग करना होगा। तो क्रॉस कटिंग करने के लिए आपको इसको ऐसे करके रिवर्स कर लेना होगा। उसके बाद आपको ये जो हमारा फ्रंट का हिस्सा है मतलब ये जो बैक का हिस्सा है इस बैक का हिस्से को ऐसे करके आपको क्रॉस पर बिठा लेना होगा। ऐसे आपको क्रॉस पर बिठा लेना होगा। तो आपको ये जो हमारा पीस है पूरा क्रॉस पे आपको ऐसे करके रख देना होगा। तो ये रखने के बाद आपको ये जो हमारा बैक जितना है उतना रखते हुए आपको कटिंग कर लेना होगा। ये बैक जितना है फ्रंट उतना पीस आपको रखते हुए ये जो ऊपर का हिस्सा है आपको ऐसे करके काट के निकाल देना होगा। और यहाँ पे जो चौक पीस का मार्किंग है यहाँ पे छोटा सा ऐसे काट करके निशान बना लीजिए और इधर भी छोटा सा काट करके ऐसे एक निशान बना लीजिए। तो ये हो जाने के बाद फ्रेंड्स आपको अभी हमारा जो फ्रंट का गला है वो कितना है आपको देखना होगा। फ्रंट का गला कितना है 8.5 इंची। तो आपको ऊपर से 8.5 इंची जहाँ तक जा रहा है फ्रेंड्स वहाँ पर आपको ऐसे करके एक मार्क लगा देना होगा। और ये जो एंडिंग है इस एंडिंग में भी आपको ऐसे करके एक मार्क लगा देना होगा। तो अभी इस मार्क से इस मार्क को ऐसे करके मिला देना होगा। तो ये मिला देने के बाद आपको इस बैक को ऐसे करके फोल्ड कर देना होगा। तो इसको फोल्ड करते हुए इधर जो हमारा शोल्डर है यहाँ पे आपको 1/2 इंची छोड़ते हुए ऐसे एक मार्क कर लेना होगा। और इधर भी आपको सीधा ऐसे एक मार्क कर लेना होगा। और पीछे की तरफ मैंने कितना लिया 2.5 इंची 2 सूत। तो आपको इधर भी 2.5 इंची 2 सूत ऐसे रखते हुए मार्क कर देना होगा। और इस मार्क से आपको 1/2 इंची अंदर और एक मार्क कर लेना होगा क्योंकि ये जो हमारा फ्रंट का गला है इसका जो ब्रॉड नहीं आएगा तो इसलिए आपको ज़रा सा 1/2 इंची लेते हुए आपको अंदर मार्क करना होगा। तो इसको ऐसे करके आपको ये दोनों को ऐसे मिला देना होगा। तो ये मिला देने के बाद आपको ये जो फ्रंट का गला है तो अभी आपको फ्रंट का गले का जो राउंड शेप है आपको ऐसे करके दे देना होगा। तो ये हो गया हमारा जो फ्रंट का गले का राउंड शेप है फ्रेंड्स। और अभी हमारा जो फ्रंट में जो बेल्ट आएगा तो उसके लिए आपको अभी बेल्ट के लिए 3 इंची माइनस कर लेना होगा। आपको 3 इंची ऐसे माइनस कर लेना होगा। तो ये माइनस कर लेने के बाद अभी हमारा चेस्ट कितना है 41 इंची। तो 41 इंची चेस्ट होने से आपको 4 इंची दूरी पर ऐसे करके 2 मार्क लगा दीजिए। तो ये 2 मार्क लगा देने के बाद आपको इसको ऐसे करके सीधा एक लाइन बना लेना होगा। तो ए लाइन बना लेने के बाद अभी हमारा जो एपेक्स का जो पॉइंट है कितना है 12 इंच मतलब 12 इंच। तो आपको इस मार्क से आपको 12 इंच जहाँ तक जा रहा है वहाँ पे ऐसे करके एक मार्क लगा दीजिए। और कितना है एंडिंग 16 है तो 16 इंच पर ऐसे करके और एक मार्क लगा दीजिए। तो ये दोनों मार्क लगा देने के बाद आपको अभी इस मार्क से इस मार्क को दोनों को ऐसे करके मिला देना होगा। तो ए मिला देने के बाद आपको फ्रेंड्स अभी हमारा जो फ्रंट का तरफ मैंने 3 इंची ले लिया। अभी जो पीछे का तरफ आपको कितना लेना होगा 2 इंची 2 सूट मतलब 2.5 इंची 2 पॉइंट।
2 इंची 2 पॉइंट आपको ऐसे मार्क कर लेना होगा। तो ए मार्क करते हुए, ए जो मैंने मार्क किया है फ्रेंड्स, इस मार्क से आपको हाफ इंची मतलब हाफ इंची नीचे और एक ऐसे करके मार्क कर लेना होगा। तो इस मार्क को देखते हुए आपको इस मार्क से इस मार्क को, ये दोनों मार्क को अभी ऐसे करके मिला देना होगा। तो ये दोनों मार्क को ऐसे मिला देने के बाद इधर हमारा जो कप्स बनेगा तो उसके लिए आपको यहाँ पे 2 इंची एक्स्ट्रा लेना होगा फ्रेंड्स। यहाँ पे 2 इंची इतना एक्स्ट्रा ले लेना होगा। तो इतना एक्स्ट्रा लेते हुए आपको इस मार्क से आपको इस मार्क को ऐसे करके मिला देना होगा। तो ये जो हमारा फ्रेंड का मार्किंग ये पूरा बराबर हो गया। तो इस मार्क को देखते हुए हम अभी कटिंग कर लेंगे। और जो कोई भी हमारा चैनल पर नया है प्लीज़ हमारा चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हर रोज़ आप लोगों के लिए बहुत ही सिंपल एंड ईजी तरीके से ब्लाउज का कटिंग लेकर आता हूँ। तो इसको यहाँ पे ऐसे सीधा नहीं कटिंग करने का, ज़रा सा ऐसे राउंड शेप देते हुए आपको कटिंग करना होगा। तो आपको ऐसे ज़रा सा राउंड शेप देते हुए ऐसे कट कर लेना होगा। तो एक कटिंग हो जाने के बाद आपको यहाँ पे जो राउंड शेप सही से नहीं आ रहा है, नहीं दिख रहा है, तो आपको ऐसे करके दोबारा और एक बार कटिंग कर लेना होगा। तो ये हो गया हमारा जो फ्रंट पार्ट का कटिंग। तो अभी यहाँ पे हम जो सेंटर का जो डॉट से वो लगाएंगे। अभी 41 चेस्ट होने से हम इधर से 2 इंची और यहाँ से 2 इंची हम डॉट्स का मार्क ले लेंगे। तो अभी इस पॉइंट से इस पॉइंट को ऐसे करके मिला देना होगा अभी, और इस पॉइंट को ऐसे करके मिला देना होगा। तो ये हो गया हमारा सेंटर का डॉट्स। अभी यहाँ का जो है यहाँ पे हम डॉट्स का मार्क करेंगे, क्योंकि ये दोनों का सेंटर से ज़रा सा नीचे रखते हुए आपको ऐसे करके मार्क कर लेना होगा। और ये जो डॉट्स है 2 इंची दूरी तक ही आपको रखना होगा, 2 इंची दूरी तक ही आपको रखना होगा। और यहाँ का जो आर्म होल का जो डॉट्स है फ्रेंड्स, ये जो डॉट्स है इसका बराबर ऐसे करके रखते हुए आपको ऐसे करके मार्क कर देना होगा। यहाँ पे ऐसे करके मार्क कर देना होगा। और यहाँ पे जो आर्म होल में जो क्रीज वगैरह जैसे झोल जैसे दिखता है, जैसे फूल जाता है, तो उसका दिक्कत ख़त्म करने के लिए आपको ये जो मार्क लगाया इस मार्क पे आपको ऐसे करके सीधा एक मार्किंग कर लेना होगा। और यहाँ पे जो मैंने हाफ इंची एक्स्ट्रा लिया वो हाफ इंची आपको नीचे ऐसे मार्क कर लेना होगा। तो आपको उस मार्क करने के बाद आपको ये जो राउंड शेप दिख रहा है फ्रेंड्स, इस राउंड शेप से आपको थोड़ा थोड़ा करके इतना पीस आपको माइनस कर लेना होगा। ये जो पीस है फ्रेंड्स, इस पीस को आपको माइनस कर लेना होगा। तो ये पीस माइनस कर लेने से क्या होता है फ्रेंड्स, आपका जो फ्रंट पार्ट में जो क्रीज वगैरह आ जाता है वो और बिल्कुल नहीं आएगा। तो आपको ये पीस आपको कटिंग करके माइनस कर लेना होगा। तो इतना पीस आपको माइनस कर लेने से जो फ्रंट पार्ट में जो आर्म होल में जो झोल वगैरह आ जाता है वो और बिल्कुल नहीं आएगा। तो ये हो गया फ्रेंड्स हमारा फ्रंट और बैक का कटिंग। अभी हम इसका जो स्लीव है वो स्लीव कटिंग करके आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो हैंड्स को कटिंग करने के लिए पहले आपको ये जो हमारा अस्तर है फ्रेंड्स, इसको ऐसे करके फोल्ड कर लेना होगा फ्रेंड। फोल्ड करके अभी यहाँ पे 18.5 इंच आ रहा है क्या नहीं आपको चेक कर लेना होगा। तो ऐसे करके आपको फोल्ड करके चेक कर लेना होगा, ये हमारा बराबर आ जाएगा। तो इसको आपको ऐसे 1 इंची दूरी पर ऐसे करके एक मार्क लगा देना होगा। ये मार्क लगा देने के बाद अभी हमारा हैंड का लंबाई कितना है, 9.5 इंची। तो हम इसमें कपड़ा छोटा काम है तो हम 9 इंची हैंड रखेंगे, तो हम 9.5 इंच पर मार्क कर लेंगे। तो ऐसे करके सीधा और एक मार्क कर लेना होगा। उसके बाद आपको ऊपर से 4 इंची डाउन पर ऐसे करके और एक मार्क कर लेना होगा। ये 4 इंची डाउन पर और एक ऐसे मार्क कर लेना होगा। अभी हैंड का जो लूज़ है वो कितना है, 13 इंची। तो 13 इंची का आधा कितना होता है, 6.5। तो 6.5 इंच पर ऐसे मैंने मार्क लगा दिया। अभी ये जो आर्म होल 18.5 इंची, तो उसका आधा आपको 9 इंची लेना होगा, क्योंकि हाफ इंची कम लगाना होगा, तब आपका जो हाफ इंची ऑटोमेटिक ये जो राउंड शेप आता है उसमें
बराबर हो जाता है। तो आपको 9 इंच पर ऐसे मार्क लगाते हुए इसको अभी हैंड्स का ऐसे करके आपको शेप दे देना होगा। अभी ये जो आर्म होल का शेप है आपको यहाँ से लेकर आपको ऐसे करके एक मार्क कर लेना होगा। तो ये मार्क कर लेने के बाद आपको ये जो आर्म होल का जो कटिंग है फ्रेंड्स, इसका आधा जहाँ तक आ रहा है यहाँ पर आ रहा है, तो इसका आधा पे ऐसे करके एक मार्क लगाना होगा और इसका आधा पे आपको ऐसे करके और एक मार्क लगा देना होगा। तो ये दो मार्क लगा देने के बाद आपको ऐसे करके ये जो हैंड का शेप है आपको ऐसे करके दे देना होगा। तो ये शेप देते हुए आपको सेम बराबर रखते हुए आपको इसका कटिंग कर लेना होगा। ऐसे करके आपको जो ये जो हैंड्स का कटिंग कर लेना होगा। तो ये कटिंग कर लेने के बाद आपको इसका जो हैंड्स में जो जॉइंट आ रहा है फ्रेंड्स, उस जॉइंट को आपको ऐसे करके चेक कर लेना है ये पूरा बराबर आ रहा है कि नहीं। तो ये नहीं आ रहा है फ्रेंड्स, तो अभी हम इससे हम जॉइंट लगा देंगे। तो ये हो गया, ये आ गया फ्रेंड्स हमारा पूरा बराबर जॉइंट। तो आपको ऐसे 1/2 इंच लेते हुए आपको ऐसे करके एक पिन लगा दीजिए, क्योंकि पिन लगा देने से फ्रेंड्स क्या होता है एक किधर भी नहीं गिरेगा, तो इसलिए पिन लगा देने से आपको एक कटिंग मतलब आप जब स्टिचिंग करोगे उस टाइम आपको ओपन का पिन उठा करके आपको स्टिचिंग कर लेने से हो जाएगा। तो ऐसे करके आपको एक कटिंग कर लेने के बाद आपको यहाँ पर आपको छोटा सा करके ऐसे कट्स लगा के निशान लगाना होगा और यहाँ पे भी आपको छोटा सा कट करके ऐसे निशान लगा देना होगा। और ये जो हमारा सेंटर पार्ट है यहाँ पे भी आपको छोटा सा कट करके ऐसे एक निशान लगा देना होगा। तो ये निशान लगा देने के बाद अभी आपको ये जो हैंड का शेप है आपको फ्रंट पार्ट में जितना माइनस किया उतना हैंड्स का भी फ्रंट पार्ट पे भी आपको इतना पीस माइनस करना होगा। तो ये माइनस करने के लिए आपको इतना पीस आपको ऐसे करके ये माइनस कर लेना होगा, तब आपका जो आर्म होल में जो क्रीज वगैरह आ जाता है और बिल्कुल नहीं आएगा। तो आपको इस हैंड्स को ऐसे करके फोल्ड करते हुए इसका जो बैक पार्ट है उसको भी ज़रा सा आपको ऐसे करके शेप दे देना होगा, क्योंकि ये नीचे का तरफ शेप नहीं देने से आपका आर्म होल में सही से नहीं बैठेगा। तो ये हो गया फ्रेंड्स हमारा इसका जो फ्रंट और बैक और आस्तीन का कटिंग, ये अभी हो गया। अभी हम इसका जो बेल्ट होता है वो बेल्ट कटिंग करके आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बेल्ट कट करने के लिए आपको ये जो किनारी है इसको आप पहले से ऐसे करके कट कर लीजिए, क्योंकि ये हमारा जो पीछे का पार्ट है उसमें काम पे आएगा। तो इसको ऐसे करके रखते हुए आपको मैंने फ्रंट पार्ट के लिए कितना माइनस किया 3 इंची, तो आपको 3 इंची ऐसे करके एक मार्क कर लेना होगा और पीछे का तरफ 2 इंची 2 सूत, तो यहाँ पे 3 इंची यहाँ पे 2 इंची 2 सूत ऐसे रखते हुए 2 मार्क कर लेना होगा। और इस पार्ट को आपको ज़रा सा ऐसे क्रॉस रखते हुए मार्क करना होगा और इसको ऐसे सीधा सा रखते हुए ऐसे करके मार्क कर देना होगा और इसको ऐसे करके ये मार्क कर लेना होगा। अभी हमारा इसका जो कमर है वो कितना है 32 इंची, मतलब उसका 4 से डिवाइड करने से 8 इंची आएगा। तो 8 इंची दूरी पर ऐसे करके एक मार्क लगा के इधर से ऐसे करके एक मार्क कर दीजिए और यहाँ पे ऐसे करके और एक मार्क कर दीजिए। ये पीस हमारा जो एक्स्ट्रा पीस है फ्रेंड्स बाद में लूज टाइट करने के लिए। और मैंने नीचे का तरफ सिलाई का मार्जिन ले लिया, अभी ऊपर का तरफ आपको इतना पीस सिलाई का मार्जिन रखते हुए आपको कटिंग कर लेना होगा। तो ये हो गया फ्रेंड्स हमारा जो 41 साइज ब्लाउज का कटिंग, बहुत ही सिंपल एंड ईजी ट्रिक से आप लोगों के साथ शेयर किया। प्लीज़ वीडियो को अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही ब्लाउज का कटिंग देखने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।